गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है जियो सिंक्लाइंस या भूसन्नति। मैं डॉक्टर संदीप यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। आज हम जियो सिंक्लाइंस में पढ़ेंगे, उसका परिचय, परिभाषाएं, उसका इतिहास, उसके प्रकार और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। सबसे पहले परिचय। महाद्वीपों और महासागरों के भूगर्भिक इतिहास से पता चलता है कि प्रारंभ में कुछ स्थिर भूखंड थे जिनको दृढ़ भूखंड कहा जाता है। यह दृढ़ भूखंड ऐसे जलीय भाग से घिरे हुए थे जो सदैव परिवर्तनशील रहे हैं। इन्हें भूसन्नति या जियो सिंक्लाइंस कहा गया। सभी विद्वान यह मानते हैं कि मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों से हुई है। भूसन्नतियाँ लंबी किंतु सकड़ी तथा उथली जलीय भाग होती हैं जिनकी तली में निरंतर धसाव होता रहता है। भूसन्नतियों की परिभाषाएं। हॉल तथा डाना के अनुसार भूसन्नतियाँ लंबी सकड़ी उथली और निरंतर धसती हुई जलीय भाग होती हैं। हॉल के अनुसार भूसन्नतियाँ गहरे जल का भाग होती हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। समिंदर सिंह के अनुसार भूसन्नतियाँ लंबी सकड़ी तथा उथली जलीय भाग होती हैं जिनमें तलछट के निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता रहता है। भूसन्नतियों का इतिहास। भूसन्नतियों को सर्वप्रथम हॉल तथा डाना जो भूगर्भ शास्त्री थे अमेरिका के, उन्होंने इसके बारे में अप्लेशियन पर्वतों के अध्ययन के दौरान इसकी शुरुआत में परिभाषा दी। उन्होंने इस विषय को स्पष्ट किया, सर्वप्रथम स्पष्ट किया। और डाना ने सर्वप्रथम भूसन्नति या जियो सिंक्लाइन शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद हॉग ने हॉल तथा डाना की जो भूसन्नतियों के बारे में परिकल्पना थी उसको साबित किया। भूसन्नतियों के प्रकार। चार्ल्स सुशर्ट के अनुसार भूसन्नतियाँ तीन प्रकार की होती हैं। मोनोजियोसिंक्लाइंस या एकल भूसन्नति, यह अत्यधिक लंबी और सकड़ी जलीय भाग होती है जिनकी तली में निरंतर धसाव होता है। इनका विकास साधारण तथा एक ही चक्र में होता है। अपलेशियन भूसन्नति इसका उदाहरण है। पॉलीजियोसिंक्लाइंस या बहुल भूसन्नति, यह अधिक चौड़ा सागरीय भाग था। यह ग्लोब पर अधिक समय तक विस्तृत था। इसका भूगर्भिक इतिहास अत्यंत जटिल था। दबाव की शक्ति के कारण संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप वलन पड़ने से कहीं समानांतर भू अपनतियों का निर्माण होता है, जैसे रॉकीज व इंडीज यूराल इसके उदाहरण हैं। मीजोजियोसिंक्लाइन मध्यस्थ भूसन्नति, अत्यधिक लंबी सकड़ी गतिशील और चारों ओर से महाद्वीपों से घिरी हुई सागरीय भाग को मध्यस्थ भूसन्नति कहा जाता है। इसका भूगर्भिक इतिहास अत्यंत लंबा और जटिल होता है। इसमें पर्वत निर्माण के कई चक्र तथा अवस्थाएं घटित होती हैं। यह वास्तव में महासागर के समान थी। टेथिस भूसन्नति इसका एक उदाहरण है जिसके फलस्वरूप हिमालय आल्प्स पर्वतों का निर्माण हुआ। और भूमध्य सागर जो आज है वो टेथिस भूसन्नति का एक अपशिष्ट भाग हमें देखने को मिलता है। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया। जियोसिंक्लाइन जो सिद्धांत है या भूसन्नति सिद्धांत है उसके तहत पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को तीन अवस्थाओं में बांटा गया। एक तो है जियोसिंक्लाइन अवस्था या भूसन्नति अवस्था, दूसरी है टेक्टोनिक अवस्था या विवर्तनिक अवस्था, और तीसरी है ओरोजेनिक अवस्था या ओरोजेनेसिस। जियोसिंक्लाइन अवस्था, इस अवस्था में भूसन्नति का निर्माण होता है। उसके अंदर नदियों से, अपरदन क्रियाओं से जो
निक्षेप आकर गिरते हैं वे जमा होने शुरू हो जाते हैं और उसकी तली के ऊपर वे परत दर परत जमने लगते हैं और तली के ऊपर वजन बढ़ते साथ उस पर दबाव की क्रिया करते हैं। इसे हम भूसन्नति अवस्था कहते हैं। दूसरा है विवर्तनिक अवस्था। इसमें जो निक्षेप सागर तली या भूसन्नति की तली पर आकर गिरते हैं वे वजन के कारण ऊपर से तापमान और दबाव के कारण उस पर और दबाव डालते हैं जिसके कारण दोनों सिरे जो हैं भूसन्नति के वो पास में सरकने लगते हैं और संपीड़न की क्रिया से उसमें फलन पड़ने लगते हैं। उसको हम विवर्तनिक अवस्था कहते हैं। तीसरा है ओरोजेनिक अवस्था। इसके अंदर जब दोनों सिरों पर भूसन्नति के दबाव पड़ता है वजन की वजह से तो वो पास पास आ जाती है और बीच में जो परतें होती हैं उन परतों के अंदर मोड़ देखने को मिलते हैं। उन मोड़ों से पर्वतों की उत्पत्ति होती है। ये हमें ओरोजेनिक अवस्था के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसा कि ये जो चित्र है इस चित्र में दोनों सिरे एक दूसरे के ओर सरक रहे हैं जिसके फलस्वरूप जो बीच में अवसाद जमा था उसमें परतें थी उन परतों में मोड़ पड़ने लग गए और वो ऊंचे उठने लगते हैं जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। ये परत देखने को मिल रही है आपको चित्र के अंदर। परतें एक के ऊपर एक अवसाद की जमती चली गई। दोनों तस्वीरों के दबाव पड़ा वजन की वजह से वो पास आने लगी उसमें हल्के मोड़ पड़ने लगे मोड़ और ऊंचे होने लगे। ऊंचा वाला भाग इसका एंटीक्लाइन कहलाया नीचे वाला सिंक्लाइन कहलाया और इसी से मोड़दार पर्वतों की हमें उत्पत्ति देखने को मिलती है। इसके साथ ही भूसन्नति का हमारा जो विषय था वो आज हमारा पूरा हुआ। अब भूसन्नति का जब विषय हमने पढ़ लिया है इसके बाद ही हम आगे जो टॉपिक है पर्वत निर्माण उसका सही से ज्ञान ले पाएंगे।